इस धरती पर अनगिनत योद्धा हुए, पर इतिहास ने उन्हें दो ही नाम दिए, विजित या पराजित। पानीपत की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई हुई जिसे इतिहास भी विजय और पराजय में ना लाद सका। पानीपत की तीसरी लड़ाई जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा, स्त्री की लात से निकलकर रणभूमि में तप कर मैं भी उस तूफान के साथ साथ बह रही थी जो दुश्मनों को उखाड़ फेंकने निकला था। सदाशिव राव भाव मेरा राया। इस युद्ध की शुरुआत से पहले हालात कुछ ऐसे थे। 1758 के आते आते पूरे हिंदुस्तान में उत्तर पश्चिमी अफगान सीमा पर अटक के किले तक मराठा साम्राज्य फैला हुआ था। अगर किसी को हम हरा नहीं सके थे तो वो थी हमारे ही पड़ोस की निजामशाही, जिसका मुख्य गढ़ था उत्किरी का किला, जिसे मराठों ने घेर लिया था। और हमें कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा शमशेर? सदाशिव ने कहा है जब तक किले पर मशाल ना दिखाई दे तब तक तोपें चलती रहनी चाहिए। मैंने सदाशिव से कहा था उदगिरी के इस किले पर हम छापामार युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, उसे अपनी मनमानी करनी ही थी। राघुबादा, मुझे सदाशिव पर विश्वास है। तुम पीछे से मुख्य द्वार के आंगन में पहुंचो, मैं यहां से जाता हूं। घोड़सवार सेना को इशारा कर दो, हमें जल्द से जल्द मुख्य द्वार खोलना। जा, भीड़ कमी आए। चला मशाल जल गई। तूफान तैयार। सलार और तोपखाना सदर इब्राहिम खान गार्दी।
इब्राहिम खान, तुम्हें कैद में डाले या कब्र में? दोनों में से कोई नहीं, इसे पेशवा सेना में शामिल कर देना चाहिए। क्या? ये गार्दी है गार्दी, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हम। ये लोग अपनी वफादारी पलटने के लिए ही जाने जाते हैं। एक आदमी अच्छा या बुरा हो सकता है राघोबा, इसमें पूरी कौम को दोष देना ठीक नहीं। और वैसे भी राघोबा, कोई ऐसी कौम बताओ जिसमें गद्दार नहीं हो। इसकी ये तोपे, ये मिल गई है तो ये क्यों चाहिए? इनके बिना ये तोपे हमारी किस काम की? ज्यादा से ज्यादा हम इन्हें गलाकर घोड़े की नाल बना सकते, और कुछ नहीं। आपका यही फैसला जब कल गलत साबित होगा तब नाना साहब आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आदमी किसी खास का स्वागत नहीं कर सकता। हाँ क्यों नहीं कर सकता है। इकड़े बगा। हिलो मत राया। राया मत कहो, मैं तुझे राय नहीं है अभी तक। अरे देवा, तुम्हें तो चोट पहुंची है। कुछ खास नहीं। जब कोई वीर योद्धा रणभूमि से लौटता है तो वो अपने घावों और मन में उठे भावों को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कैसे छिपा सकता है जिसकी आंखें उसे आर पार देख सकती हैं। आजी कशी है। सदाशी, मैं महाद्वार तक नहीं आ सकी, मेरी तबीयत। कोई बात नहीं आजी, नमस्कार कर दो। जीते रहो, दीर्घायु भव। ये संभालो, हम जीत गए आजी, हम विजयी हुए, निजामशाही संभली। मुझे विश्वास था आज तक तुम कभी हार के वापस नहीं आए। भानो। जी आजी साहेब। वैद्य को बुलाओ। जी आजी साहेब। आजी, तुम्हारे पिताजी कहा करते थे, सूरमा वही है बड़े जो हर हाल में लड़े, सर हथेली पर लेकर चले। धर्म उनका है वीरता, कर्म उनका है वीरता, जीत या हार होगी ये सोचते नहीं। सही कहते थे। प्रणाम आजी साहब। आजी मैं ये तू। अरे मरहम पट्टी करवाए बिना मत जाना। तुझे पार्वती याद है? अब ये छोटी राजवैद्य बन गई है, अपने पिता से भी आगे। आपको इस महान जीत की बधाई भाव साहेब। धन्यवाद। कुठे लागलं?
शुरू करो। हो तुम और वैद्य क्यों? एक लड़की वैद्य नहीं बन सकती, ऐसा कोई कायदा है का? भाई नहीं, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन जब हम पिछली बार मिले थे तभी तो नहीं थी। पिछली बार हम 2 साल 3 महीने और 18 दिन पहले मिले थे। आते हैं अरे जल्दी करो, इसे गणेश दरबार में हाजिर होना है। हो आजी साहब। जाला भाव साहब, आपको दिन में 2 बार पट्टी कराने आना पड़ेगा मेरे पास। भानु में दिखाए गए शौर्य के लिए पेशवा के भाई श्रीमंत रघुनाथ राव का अभिनंदन करती है। और अब सम्मानित किया जाता है स्वर्गीय श्रीमंत बाजीराव और मस्तानी के पुत्र और पेशवा के भाई शमशेर बहादुर। युद्ध में दिखाई गई शूरता के लिए पेशवा के चचेरे भाई श्रीमंत सदाशिवराव भाऊ का अभिनंदन किया जाता है। आप तो हमारे गले के हार हैं। काका, ये आपके लिए। विश्वास? श्रीमंत, अब मैं पेश करना चाहूंगा निजाम शाही के सिपे सालार तोपखाना सदर इब्राहिम खान गार्दी को, जो आज से पेशवाओं के सेवा में आ गए हैं। श्रीमंत, मैंने 30 साल तक निजाम की खिदमत की और कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। अब जब निजाम शाही नहीं बची तो मैं इब्राहिम खान गार्दी पेशवा सल्तनत के लिए अपनी वफादारी की कसम खाता हूं। इन्होंने वो काम करके दिखाया है जो हम में से कोई पेशवा नहीं कर पाया। दक्षिण को मुक्त करना हमारे प्यारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अधूरा सपना था। उनके गुजर जाने के 80 साल बाद आज हम निजाम को घुटनों पर ले आए। पिताश्री, इसी खुशी में क्या एक महोत्सव नहीं होना चाहिए? अब हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं, बेशक महोत्सव होना चाहिए। हमारे पूना के बाहर के सारे सेनापति और प्रमुखों को आमंत्रित किया जाए। बुंदेलखंड से सरदार गोविंद पंत बुंदेले, सरदार बलवंत राव महेंदड़े, ग्वालियर से सरदार जनकोजी शिंदे और सरदार दत्ताजी शिंदे, इंदौर से सरदार मल्हार राव होलकर, राज एकांत जी भाई साहब,
राया, शस्त्र पूजन के समय आपने पेशवा तलवार सदाशिव को क्यों दी? वो ऐसा करने की क्या जरूरत थी? आप सदाशिव को इतना मान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसी ने तो निजामशाही को जड़ से मिटाया है। तुम्हें परेशानी क्या है? अपने आप को पेशवा समझने लगा है वो। उदगिरी में एक मुसलमान सरदार को राघोबा की सहमति के बिना ही भर्ती कर लिया उसने। वो मुसलमान सरदार हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ तोपची है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान भी थे। राया राया, आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं। आज सदाशिव ने राघोबा की बात नहीं मानी, कल वो आपकी भी अनसुनी कर सकता है। आप बात समझ नहीं रही हैं। सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा साम्राज्य के हित में ही रहा है। ईश्वर न करे अगर आपको कुछ हो गया और वो मराठा साम्राज्य के हित में स्वयं पेशवा बन बैठा, तब क्या होगा हमारी विश्वास का? हाँ, राघोबा पहले ही मेरे जी का जंजाल है और अब सदाशिव। मुझे पूरा भरोसा है उसकी निष्ठा पर। तुम्हारे बेटे पर वो अपनी जान छिड़कता है और विश्वास भी उसे उतना ही प्यार करता है। विश्वास तो बच्चा है, पर आपके भोलेपन पे मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? क्या करूं? ये भी मैं बताऊं, पेशवा आप हैं कि मैं? इतने युद्धों के कर्ज का भार हमारे साम्राज्य को आर्थिक संकट में डाल रहा है। जी, सो तो है। तुम बुद्धिमान हो, विश्वसनीय हो और लोगों से काम लेना जानते हो। ये तुम ही कर सकते हो। मुझे करना क्या होगा ये तो बताइए श्रीमंत। मैं तुम्हें धन मंत्री तैनात करता हूं। धन मंत्री? और मेरा काम कौन करेगा? वो ये अच्छा सुझाव है राया। आपके इस निर्णय से सदाशिव यहीं पुणे में रहेंगे और फिर राजधानी की सुरक्षा के लिए एक बलशाली योद्धा चाहिए। राघोबा भी तो है। एक से भले दो। गुनो जी आपको सारी जानकारी दे देंगे। जब निर्णय लिया ही जा चुका श्रीमंत, तो मैं आज्ञा का पालन करूंगा। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं आपसे युद्ध कौशल भी सीख पाऊंगा और आप 1500 सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं ये भी सीखूंगा। मी येते। फेरे लेने के बाद मैं पहुंच ही गई तुम तक। सुना है तुम्हें धनमंत्री बना दिया। पर सालो, मेरा मन कहता है कि तुम ये काम भी निपुणता से करोगे। खरसंगो, मुझे तो बड़ा ही सुकून मिला जब सुनो युद्ध में है जी। अब कम से कम तुम यहां तो दिखोगे। वो कहते हैं ना, आप एक योद्धा को उसकी तलवार से अलग नहीं कर सकते। ये मुझसे बेहतर कौन जानता है? तुम ये जो कोशिशें कर रही हो ना पार्वती, मत करो। सात नहीं भले 70 सीढ़ियां चढ़कर तुम उस तक पहुंचो। मेरे जीवन में सात फेरे नहीं है, समझत कसा नहीं तुला। समझा सका है? अब डोर तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैंने बहुत तपस्या की है, कणेश्वरी देवी के 108 उपवास रखे हैं मैंने, माहिती है। अब मैं तुम्हें कहीं और जाने नहीं दूंगी। देखना, तुम मेरे हो जाओगे, वो दिन दूर नहीं। खाओ, खाओ पर ऐला लग लाए। अब क्या तभी मिलोगे जब अगला खाओ लगेगा? हार जला पार्वती आता भास्कर।
पार्वती, पार्वती, पार्वती। वो पार्वती सदाशिव के साथ? लगता है एक मामूली राज्य वैद्य पेशवा की रानी बनने के सपने बुन रही है। होए का, मेरे रहते नहीं हो पाएगा। मराठा राज्यों के बाहर से कितनी रकम आती है? जो रियासतें हमारे अधीन हैं, वो एक चौथाई देती हैं। लेकिन उत्तर दिशा में कई ऐसे हैं जो रोज नए नए बहाने बनाते हैं और एक ढेला तक नहीं देते। उन्हें तत्काल पत्र भेजकर अंतिम चेतावनी दी जाए। हस्ताक्षर मैं ही करूंगा। एक देनदार कुछ ज्यादा ही उद्दंड हो रहा है श्रीमंत। उसकी रकम भी सबसे ज्यादा है। कौन है वो? नजीबुद्दौला, मुगलों का मीर बख्शी। हाँ, लेकिन वो रहता है दोआब के इलाके में, गंगा यमुना के बीच, रोहिलाबाद के किले में। कितने ही पत्र भेजने के बावजूद वो अपनी देनदारी पूरी नहीं कर रहा है, टाल जाता है। साम दाम का इस्तेमाल कर लिया, अब दंड का समय आ गया है। आप तो यहां हैं, दंड कैसे देंगे? हम दत्ता जी शिंदे जी को भेज सकते हैं, उत्तर में हमारे सबसे बड़े सरदार हैं। दत्ता जी बा नजीब पे भारी पड़ेंगे। और एक और फरमान मुगलों के लिए जारी किया जाए। जी श्रीमान। और इस अहमदिया करार के मुताबिक मुगलिया सल्तनत को अगर मराठाओं की ओर से आक्रमणकारियों से अपनी सुरक्षा जारी रखनी है तो आपको एक चौथाई की रकम अदा करनी होगी, जो कि आपने अभी तक नहीं की। परार की इज्जत की जाएगी। आलम पना, आप इन मराठाओं की धौंस पट्टी में मत आइए। हम इन्हें रुक जाओ नजीब, रुक जाओ, इतने उतावली मत दिखा। फरमान अभी तक खत्म नहीं हुआ। और नजीब उद्दौला की नाफरमानी को देखते हुए उसे मुगल दरबार में मीर बख्श के औहदे से इसी वक्त बेदखल किया जाता है। दस्तखत सदाशिव राव भाऊ पेशवा। नजीबुद्दौला। आलम पना, मराठों की इतनी जुर्रत की मुझे हटा दिया। हम क्या करते, आखिर हमें भी तो उनकी सरपरस्ती की जरूरत है। जहां बना, इसका मतलब ये नहीं कि ये हम पर हुकूमत चला सके। उन्हीं की शह पे ये इमाद इतना फुदक रहा है। उसकी हिम्मत आपसे इस तरह पेश आ रहा है देखकर मुझे हैरानी होती, खासकर जब उसे पता है कि आपके अंदर शाही खून दौड़ रहा है। उसी शाही खून की बदौलत तो जिंदा हैं हम आज तक। जहां पना, इस मौत को सजा देनी होगी। कौन देगा उसे सजा? उसके सर पर मराठों का हाथ है और मराठों के खिलाफ जाने वाला कोई है ही नहीं इस सरजमीन पर। एक है जहां पना, एक है जिससे आप मदद ले सकते हैं। क्या है कोई ऐसा? अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली? हां आलम पना, और फिर हम इन मराठाओं को सबक सिखाएंगे।
क्या हुआ? चलो तुम्हारे पांच और बचे। एक, दो, तीन, चार, पांच। काका देखना, एक दिन मैं भी आपकी तरह ही योद्धा बनूंगा। क्या फायदा, तलवार घुमाने के बजाय किताबों में संख्याएं घुमानी पड़ेंगी। भाव, क्या पता कब मैदानी जंग से बुलावा आ जाए। हमारा बस चले तो कभी ना आए। जी भाभी। वहिनी, आपसे एक बात कह सकती हूँ? शादी ब्याह के अलावा कुछ भी। तुम महरम को चकमा नहीं दे सकते सदाशिव, इसके आगे तो मुझे भी हाँ भरनी पड़ी थी। भली लड़की है, शादी कर लीजिए उससे। शादी किससे? अच्छा, अनजान मत बनिए, पार्वती से। सदाशिव, महरम ठीक कह रही है, अभी जंग से लौटे हो, कुछ दिन इत्मीनान है। अपने आप के लिए समय नहीं है मेरे पास, मेरा सारा ध्यान काम पे ही है। भाव साहब, काम कलम का हो या लड़ाई का, वो सिर्फ काम होता है। जिंदगी से आप तब रूबरू होते हैं जब आप घर जाते हैं। भाव साहब वैद्यशाला में आ रहे हैं। भानु, पार्वती कुठे आए? अब आई उसकी याद। मतलब? वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? अपने पेड़ वाले घर कोंकण। कोंकण? क्यों, कशाला? ये आप उसी से जाकर क्यों नहीं पूछते? एक बात बताऊं, आप ना केवल रणभूमि के बांकुरे हैं, दिल के मैदान में एकदम पुस। उसने मिलने से मना कर दिया। ये उसे देना, कहना मुझे घाव लगा है। आप योद्धा लोग भी बड़े निराले हो, टेढ़े तीर निशाना सीधा। जा लौक कर भानो। आपने क्या ये? आप? तुम तो मुझे कभी आप नहीं बुलाती, मतलब बहुत गुस्सा हो। तुमसे मिलने के लिए क्या, यही तो एक तरीका था। तो क्या अपना वैद्य होने का धर्म नहीं निभाओगी? पटी व्या, उस दिन मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही ऊंची हो गई थी ना, क्षमा कर। लेकिन ऐसे बिना बता चले आने की क्या जरूरत थी? मैं स्वयं अपनी इच्छा से नहीं गई थी, मुझे जाने के लिए कहा गया था। किसने कहा? गोपिका बाई ने। गोपिका बाई? तुम्हारा माहिती है, जब मैं 11 साल की थी तब पहली बार पिताजी मुझे शनिवार वाड़ा ले गए। वहां मैंने तुम्हें देखा। मैं नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, क्या हो। मैं तो बस
तुमसे प्रेम करने लगी। बाद में पता चला कि तुम पेशवा हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा सदाशिव थे। आज पता चला कि किसी का दर्जा कितना मायने रखता है। दर्जा हो? पेशवी इन गोपिका बाई यही सोचती है ना कि मुझ जैसे छोटे वर्ग की जड़ी बूटी घोटने वाली लड़की शनिवार वाड़ा में कैसे रह सकती है। भला समझ ला, तुमने भी मुझे इसी कारण से दूर रखा ना, हो ना? एक बार कह देते। पार्वती ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम। तो फिर क्यों? हाँ, एक योद्धा का परिवार किस उथल पुथल में जीता है ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। मुझे कभी मेरे पिताजी का साथ नसीब ही नहीं हुआ, वो हमेशा युद्ध भूमि में रहे, और जब मैं बहुत छोटा था नहीं रहे। मैं भी तो एक योद्धा हूं, और जो मुझ पे बीती मैं नहीं चाहता, मेरी पत्नी पे, मेरे बच्चों, मेरे परिवार पे वो गुजरे। तुम अपना पूरा जीवन भविष्य के भय में कैसे जी सकते हो? मेरा आज तुम ही हो, तुम्हारा आज क्या है? समझ गए मिजाते? पार्वती, मेरा आज, मेरा कल, मेरा परसों तुम ही हो। खरच अफगानिस्तान, दुर्रे दुर्रानी, आपका फैसला फिर एक बार सही साबित हुआ। जब से हमने विद्रोहियों को कुचल दिया है, किसी की भी फिर से हमारे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जरूरी यह है कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए। शहंशाह अफगानिस्तान, खबर हिंदुस्तान से, तो आपके सुल्तान नजीबुद्दौला का भाई सुलेमानुद्दौला मिलना चाहता है। की नीलामी किसके लिए? इसके लिए? शहंशाह, माफ कर दे उसे। अहमद, लुत्फ़ान, आखिरकार ये हमारा भाई है,
ठीक है सरफराज, लेकिन मेरे पे खंजर उठाने से पहले मुर्तजा ने सोचा नहीं? अहमद, माफ कर दे मुझे। तुझे नहीं मालूम कि ये मोर का तख्त और ये कोहिनूर बड़ी मशक्कत से पाया जाता है, छीनने से नहीं मिलता। नादिर शाह ने छीनने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले ने उसकी जिंदगी छीन लिया। मैंने मेहनत करके नादिर से पाया है इसे, लेकिन मैं तुझे ऐसे ही दे देता हूं। क्या चाहिए तुझे? कोहिनूर? हाँ, मैं तुझे कोहिनूर देता हूं। नहीं, नहीं, है मन, नहीं। इसे बाहर लेके आओ, मुझे खुली हवा चाहिए। अलीजा, पिछली बार मराठे अटक पहुंचे थे, अब कहीं कंधार ना पहुंच जाएं। दिल्ली के बादशाह और दूसरे हिंदू राजाओं के साथ हम सब आपसे इल्तजा करते हैं कि अब आप एक भी दिन जाया न करें, आए और हमें आजाद कराएं और खुद हिंदुस्तान का बादशाह बनकर अपना सही मुकाम हासिल करें। आपका दस्त बस्ता खादिम नजीबुद्दौला। बहुत अच्छी खबर है अलीजा, दिल्ली फतेह करने के बेशुमार फायदे होंगे। इतना खुशबाश मत हो, ये नजीब चाहता है कि हम उसकी लड़ाई लड़े और पूरे जंग का खर्चा हमारे ऊपर आए, और वो वहां बैठे बैठे हमारी फतेह का मुनाफा गिनता रहे, और फिर वो चाहेगा कि खुद तक नचीन हो जाए। जलील है वो। अलीजा, मुझे नहीं लगता वो आपके साथ ऐसे करने की जुरत करेगा। सरा गौर करे शहनशाह, फारसी लोग हमारी सल्तनत को हथियाना चाहते हैं, और सिर्फ बागी नहीं, तेरे बिरादर भी आंख तख्त पर आग गड़ाए हुए हैं। उन्हें अभी देखो, अगर तो हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है तो तेरी सल्तनत बंगाल तक फैली होगी, और तब कोई भी फारसी फिर से तुझसे मुकाबला करने की सोचेंगे भी नहीं। हमारे खजाने भी खाली हो रहे हैं, यहां की फिक्र मत कर अहमद, मैं संभाल लूंगा। वक्त आ गया है अब दिल्ली फतेह करने का। चलो हिंदुस्तान। नजीब से चौथ की रकम लेने गए थे, तब उसने उन्हें धोखे से मार दिया। तो तुमने ऐलान किया था कि मेरा सर धड़ से अलग करोगे,
लो कर दो अलग, लो लो ना ये सर। तुम तो पहले ही अपना सर अब्दाली के पैरों पे रख चुके हो, तो अब क्या करोगे? और लड़ोगे? बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। नजीब! लेकिन नजीब में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो एक मराठा सरदार को मार सके? क्योंकि उसने अहमद शाह अब्दाली से हाथ मिलाया है। अहमद शाह अब्दाली? सभी मंत्री और सेनापतियों को अभी इसी समय गणेश दरबार में बुलाया जाए। दत्ता जी की हत्या मराठा साम्राज्य पर सीधा प्रहार है, और अब्दाली के आने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण। इस बार 1,00,000 की फौज लेकर आ रहा है वो। पिछली बार इतनी लूटपाट मचाई, कत्लेआम करके यमुना का पानी लाल किया था। इस बार हमें उसे रोकना होगा। श्रीमान, अब्दाली शनिवारवाड़ा नहीं लाल किले पर कब्जा करने आ रहा है। उत्तर में इतनी दूर उनकी लड़ाई लड़ने हम भला क्यों जाए? इसलिए कि दिल्ली में इतना दम नहीं कि वो अब्दाली का मुकाबला कर सके। और ये मत भूलिए, हमने उन्हें वचन दिया, चौथ की रकम के बदले आक्रमणकारियों से उनकी रक्षा करेंगे। अपना कर्तव्य निभाने का समय आ गया है, अतः माघार नहीं। पर भाव साहब, श्रीमंत, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, हम अभी अभी एक लड़ाई लड़ चुके हैं। सैनिक इतने थके मांदे हैं कि अपना जरा बख्तर भी नहीं उठा सकते, एक और युद्ध का बोझ कैसे उठाएंगे? ठीक कह रहे हो आप, पर और कोई विकल्प भी तो नहीं है। वो 1,00,000 की फौज लेकर आ रहा है तो लिंगो जी, कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप शत्रुओं की संख्या गिनोगे या फिर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करोगे? बोला बोला। मैं इस सदाशिव से सहमत हूं, हमें हमारी सेना भेजनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो राघोबा को जाना चाहिए। जो आज्ञा श्रीमंत। हमारे घोड़ों ने सिंधु और कावेरी का पानी पिया है तो ये यमुना क्या चीज है? मुझे 1,00,000,000 मूल्य का स्वर्ण और 80,000 की सेना चाहिए। पंड राघोबा दादा, पेशवा संपत्ति इस समय कम है तो जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो अब तक ये धनमंत्री के अहदे पर क्या कर रहे थे? राघोबा, आपने अटक का किला भले ही जीता लेकिन आप कर्जे के बोझ के साथ लौटे थे, मैं उसी को हटाने में लगा हुआ। हमारे शत्रु दिवाले होने चाहिए और हमारा साम्राज्य हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संपन्न, पर यहां तो उल्टा है। ये ठीक कह रहे राघोबा। अरे राघोबा दादा, जहां तक सेना का संबंध है हमें यहां भी तो चाहिए। दिल्ली बचाने के चक्कर में हम पुणे को दांव पर नहीं लगा सकते, इसलिए आपको 40,000 की सेना ही मिल पाएगी। 40,000? बस इतनी सी? 40,000 की सेना कम नहीं है राघव। क्या जानते हो आप? क्या जानते हो आप उत्तर दिशा के बारे में? एक उदगिरी क्या जीत लिया, आप समझते हो कि युद्ध के बारे में आप सब कुछ जानते हो? दिल्ली कोई बच्चों का खेल नहीं है सदाशिव भाऊ, आपकी तलवार जंग खा रही है और अपने कलम के तीरों से आप अब्दाली का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे हाथ में तलवार वापस लौटा के तो देखिए। असका, बिना स्वर्ण और सिर्फ 40,000 की सेना लेकर कर सकते हो आप? श्रीमंत, आप आदेश दीजिए, मैं इन्हीं साधनों के साथ अभियान का नेतृत्व करूंगा। गिट्ठी बराबर सोना और मुट्ठी बराबर सैनिकों के साथ तुम कैसे करोगे? श्रीमंत, रास्ता लंबा है, इसलिए हमारे उत्तर के जो सेनापति है जैसे होलकर, शिंदे, बुंदेले, उनकी मदद के साथ
रास्ते में जो आने वाले रजवाड़े हैं उन्हें वास्ता दूंगा मातृभूमि का। क्या उन्हें मना पाओगे? हाँ बिल्कुल, वो तो सदा हमारे समर्थक रहे, और जब अब्दाली से सामना होगा तो एक संयुक्त बलशाली विराट हिंदुस्तान सेना देखकर वो भाग खड़ा होगा। और अगर वो वहीं खड़ा रहा तो हम उसके पैर उखाड़ देंगे। निर्णय हो गया, सदाशिवराव भाऊ पेशवा अभियान का नेतृत्व करेंगे। ईश्वर करे केसरी ध्वज को नई ऊंचाई मिले। ये अटक का जिला आज से फिर दुर्रानी सल्तनत का हिस्सा हो गया है। ऐसे दान पट्टे कितने? 20,000। और भाले कितने? 5,000। कम है, 10,000 और बनवाइए। जी श्रीमान। पेशवीर पार्वती बाई ये ताहे। पार्वती तुम यहाँ? मेरा मतलब है आप यहाँ क्या कर रही? वो मुझे देखना था कि आपके हथियार और जीरा पत्थर ठीक है या नहीं। ये तो कारण नहीं हो सकता। राय एकांत तुम्हें या मी बनते? जी भाई साहब। मैं भी तुम्हारे साथ मुहिम पर चलूंगी। काशाला एक कुवैती होने के नाते मुहिम में मेरी जरूरत पड़ेगी। बीमारियां हरूंगी, अवसर आया तो घाव भरूंगी। हात्या सही कहा, मुहिम तो यह है लेकिन युद्ध की आशंका के साथ मैं गृहस्थी लाद कर नहीं चल सकता। काहे तुम्ही पर एक धनमंत्री होते हुए लाभ हानि का अंतर नहीं जानते? मेरी वहां बहुत जरूरत पड़ेगी। पार्वती मुहिम कष्टदायक होगी। तो मुझे अपनी ढाल बनाकर ले चलो, सुख में पीछे रहूंगी और दुख में आगे आ जाऊंगी। हम तंबू शामियाने में रहेंगे? तंबू शामियाने में रहना गोपिका बाई के तानों में रहने से अच्छा है। राया मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जो भी संकट आए मैं चाहती हूँ हम साथ मिलकर सामना करें। आणी 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 काय नहीं आणी काय पार्वती? मैंने सुना है जब पेशवा अकेले मुहिम पर जाते हैं तो एक मस्तानी के साथ लौटते हैं। तो असल मामला ये है। अगर यही बात तो चलो खुशी से चलो, लेकिन पार्वती भाई एक बात बता दे, मेरे जीवन तुम ही हो और तुम ही रहोगे। राया एक बात कहूं? बोला। विश्वास कब तक झूला झूलेगा? उसे पेशवा कैसे बनते हैं उसके नीति नियम सीख लेने होंगे। तो क्या करें? सदाशिव अब्दाली को निश्चित रूप से हरा देगा, फिर दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लेगा और हिंदुस्तान का शहंशाह बन जाएगा। मैं केवल ये कहना चाह रही हूँ कि जिस सेना का नेतृत्व सदाशिव कर रहा है उसका प्रमुख सेनापति हम अपने पुत्र को बना दें।
फिर दिल्ली के सिंहासन पर वही बैठेगा। जरा सोचकर देखिए राया, शहंशाह हिंदुस्तान, श्रीमंत विश्वास राव पेशवा। विश्वास, बात दिल्ली और अब्दाली की है, संकट भरी मुहिम है। हाँ, लेकिन ये भविष्य की पेशवा के लिए सीखने का एक अच्छा अवसर होगा। दादा, वही नहीं, मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूं। आप निश्चिंत रहिए, मुझे सिंहासन की कोई लालसा नहीं। मैं विश्वास को अपने साथ ले जाऊंगा। आश्वासन दो, तुम उसकी रक्षा करोगे अपने प्राणों से बढ़कर। इस बार अब्दाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत भी ना करे। मैं विजय तिलक लगाने की प्रतीक्षा करूंगी। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। लूट ले आओ। जी जनाब। अफगानिस्तान, सलाम आपका। आपके दीदार से दिल बाग बाग हो गया। ना सिर्फ मैं बल्कि ये सरजमीं, यहाँ के तमाम बाशिंदे आपका बेकरारी से इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है सफर खुशगवार रहा होगा। पांच दरिया पार करना खुशगवार नहीं होता, लेकिन सब जायज हो जाता है जब हिंदुस्तान के ये मीठे फल मिल जाते हैं। दत्ताजी शिंदे को हरा के जो हासिल हुआ है, शिंदे और होलकर पिछली दो नस्लों से मराठाओं के रथ के दो पहियों के जैसे थे। दत्ता जी का कत्ल करके एक पहिया तो मैंने तोड़ दिया, अब ये रथ ज्यादा दिन तक नहीं दौड़ेगा। शहंशाह, बेहतरीन। और आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या हुआ? मुगल शहंशाह दूसरे आलमगीर नहीं रहे। ये कैसे हुआ? आपके लिए लिखा हुआ शहंशाह का एक खत उनके वजीर इमादुल मुल्क के हाथों लग गया। आया रब, पीर साहब की इबादत अभी खत्म होने ही वाली है, तशरीफ लाइए।
माफी मेरे आलम पना, माफी। अब तख्त पर कौन है? इमाद ने एक और कठपुतली की ताजपोशी कर दी है, शाहजहां 3। लेकिन अब आपके आने की खबर सुनकर इमाद भाग गया है। इमाद को सबक सिखाना पड़ेगा। मैंने अपने सिपह सलार उसके पीछे लगा दिए हैं, देखते हैं कहां तक छिपेगा। वक्त बर्बाद मत कर, दिल्ली रवाना होते हैं। वहां तक तो लूट लेकर मुझे वापस कंधार जाना है, वो भी बारिश से पहले। मेरी एक दरख्वास्त है, मराठा चुप बैठने वाले नहीं है। सदाशिव दत्ता जी की मौत का बदला लेने के लिए पुणे से निकलने ही वाला है, आपको और हमें रोकने। सदाशिव वो कौन है? पेशवा का चचेरा भाई, वो जरूर दोआब पे हमला करेगा, मेरे रोहिलाबाद के किले पर, जिसे पिछली बार आपने इतनी मशक्कत से हासिल किया था। सिर्फ आप में उसे रोकने की कुव्वत है। दोआब, रोहिलाबाद, लेकिन तूने कहा था कि इस वक्त दिल्ली के तख्त पे कब्जा करना जरूरी है। फिक्र मत कीजिए, दिल्ली को मैंने अपने सिपे सलारों की निगरानी में रखा है। दिल्ली तो है लेकिन पहले इनको रोकना होगा। समझने की कोशिश करिए शहंशाह, सिर्फ मराठे ही है जो आपके और तख्त के बीच में आ सकते हैं। एक बार इन्हें हरा दिया ना, फिर दिल्ली क्या, पूरा हिंदुस्तान आपका। नजीब, तेरी जो भी मनसूबा बंदी है अगर गलत निकली तो तू जिंदा नहीं रहेगा। कैसे बात कर रहे हो शहंशाह? आप मेरे आका हैं, मेरा मनसूबा सिर्फ आपकी खिदमत करना है। मराठों का लश्कर कितना बड़ा है? भानो, उस तंबू को वैद्यशाला बना दो और ये सारी औषधियाँ उसमें रखवा दो। वो पार्वती दाई, ये चला 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 काम। ये सब क्या? वो रुक, तुम पूरा शनिवार वाड़ा उठा के ले आई हो? मंजी, तुम मेरी तकलीफें कम करने आई हो या बढ़ाने? ये सारी हमारी जरूरत की चीजें हैं राया। हाँ, लेकिन पड़ाव तो एक ही रात का है, ये सब सामान सजाते सजाते सुबह हो जाएगी और फिर इसे समेट के निकलना होगा। कमाल करता तुम्हीं पर, इतना लंबा सफर है। कहा था लंबा सफर है, मैंने कहा था तुम नहीं झेल पाओगे, लेकिन तुम बिना जिद्दी पूरा घर साथ लेके निकली। धन्य है तुम। ये कहाँ रखूं? मेरे सर, वहां रख दो। हो भाई सर। वाह, भारत सुंदर सजावले। पार्वती जवर नकाई हूं का? बाहर तो बहुत सुना रहे थे भाव साहेब। पार्वती, वो तो मैं ऐसे तिथे स्तंभा। जवर नकाई हूं,
असका, पहली बार समझ में आया कि अपना घर क्या होता है। क्षमा पार्वती भाई, चुप चल, नया नया लगन है ना मेरा, माफ कर लो, दोबारा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़े, मराठा तुतारियों ने हमारी मुहिम के इरादों की खबर दूर दूर तक पहुंचा दी। जिन राजाओं को न्योता भेजा जा चुका था, वो श्रीमंत विश्वासराव पेशवा की सेना से जुड़ने लगे। यह सिर्फ आपका ही सपना नहीं है, हमारा भी है, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद राजा करमवीर जी, हमें स्वीकार है। आपकी इस मुहिम से जुड़ने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आनंद हुआ, धन्यवाद। एक महीने बाद घने जंगल, पर्वत और नर्मदा और चंबल जैसी नदियों को पार करते हुए हम धौलपुर पहुंच गए, जहां हमारे मराठा सरदार हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। यावे, यावे। पार्वती भाई, क्षण वेशवीन राधिका भाई और मेहरम भाई। बहनी, इन तीनों के पिताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम युद्ध लड़े हैं। तो बहू साहब, आपके मन में योजना क्या है? उत्तर में सबसे बड़ी सेना और साधन जिन राजाओं के पास है, वो है माधव सिंह और विजय सिंह, 5,000 की सेना। राजा सूरजमल 10,000, आराधक सिंह 5,000 और गंगा के पार नवाब शुजाउद्दौला 20,000 की सेना। हमें बस उनको मनाना पड़ेगा। जहां तक शुजाउद्दौला का प्रश्न है, मैं सरदार गोविंद पंजी को संदेश भेज देता हूं कि वो तुरंत जाकर उनको मनाए। नवाब साहब, आपके लिए सदाशिवराव भाऊ का एक बहुत जरूरी संदेश आया। मैं जानता हूं क्या है। गोविंदमल जी, देखिए, मैं दो चट्टानों के बीच फिसना नहीं चाहता। एक बात और, अब्दाली को हराने के बाद सदाशिव भाऊ आपको दिल्ली का वजीर बनाना चाहते हैं। क्या सदाशिव ये बात मुझे करारनामे पर लिख कर देंगे? श्रीमंत आपका साथ चाहते हैं, आपकी तसल्ली के लिए आपको करारनामा मिल जाएगा। तो फिर हमारे बंदूक हैं आपकी। शुजा तो मान जाएगा, लेकिन सूरजमल? सूरजमल जी तो आपके खास हैं। मुझे लगा था आप उनको साथ ले आएंगे। कोशिश तो बहुत की, लेकिन माने नहीं। ठीक है, तो उन्हें भी संदेश भेज दे कि जल्द से जल्द आकर हमसे मिले। नहीं, वो एक राजा है, हम उनसे स्वयं मिलने जाएंगे। क्षमा करियो श्रीमंत, ऊपर से हर दो महीने आपके खलीते आते रहे चौथ की रकम के लिए। सूरजमल जी, आपकी जितनी बाकी रकम मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह समय आपस में बैर रखने का नहीं, हाथ मिलाने का है। सो तो है ही, हम भी एकता में विश्वास रखे हैं जी। हम तुम पेशवान से हमेशा अच्छो संबंध बना के रखना चाहें जी, इसी कारण तो आपके वजीर को पनाह दे रखी है।
वजीर, इमादुल मुल्क यहाँ है? हाँ जी, वजीरे आजम को ले आओ। आश्चर्य है, वो आपके साथ मिल गया और हमें सूचना तक नहीं की। आओ वजीर आओ। इमादुल मुल्क, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने बादशाह का खून कर दिया? श्रीमंत, आलमगीर मराठा सल्तनत के लिए खतरा बनता जा रहा था। फिर भी तुम होते कौन हो उसे मारने वाले? तुम्हें अधिकार किसने दिया? पेशवाओं ने तो नहीं दिया? मैंने किया, लेकिन किसके लिए? पेशवाओं ने? बकवास! खतरा भागते ही तुम दिल्ली से भाग निकले, वो भी पेशवाओं के लिए किया? याला अटक करा। रुक जाओ बाबू साहब, इनको बना मैंने दी है। भाऊ साहब, आप जय ध्यान में रखो कि उत्तर में मामलो उलझो भयो है, पर रही बात गठबंधन की, तो नजीब को खत आयो हो तो अब्दाली को साथ देवे के ताई। लेकिन अब मोए पतो है वाको का जवाब देनो है, और तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है तो हम तुम्हारे साथ हैं, बात खत्म। जय हो राजा जी, यही तो आपकी महानता है। हमारी 10,000 की सेना और साथ में भोजन पानी सब आपको मिलेगा। और इस तरह धीरे धीरे मराठा सेना की संख्या बढ़ती गई। जंग के लिए सेना जुटाना भी अपने आप में एक जंग है। 4 लोगों के परिवार का पेट भरना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके परिवार में 50,000 सदस्य हों तो क्या हो? लेकिन हम तैयार थे। हमारी सेना आपके लिए तैयार है। राजा आराधक सिंह का संदेश सुनते ही खुशहाली सी छा गई। राया की योजना काम कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सब हमारे साथ हैं। अब प्रतीक्षा थी तो राजा माधव सिंह और राजा विजय सिंह की। हमें उम्मीद है हमारे गजराज आपको पसंद आए होंगे। हमारे शाही अस्तबल से हैं, आपके लिए छोटे से तोहफे हैं। जबरदस्त माधो सिंह, लेकिन मेरे और मेरी फौज के मतलब के नहीं है। फिर भी तशक्कुर। धन्यवाद। धन्यवाद कहिए। मराठे हमें हराने के बाद हम पर धौंस जमाते हैं। अब ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। दिल्ली हासिल करने के बाद हमारी अगली मंजिल पुणे। मराठों को उनकी हैसियत बताने के लिए हमारी सेना और साधन अपने ही समझिए। उन्हें अगर हरा दिया गया तो हम आपकी बेहतर सेवा कर पाएंगे। फिक्र ना करें, हम मराठों का सफाया कर देंगे। आपसे आज्ञा लेते हैं। आपके हुक्म की प्रतीक्षा रहेगी। बहुत अच्छे नजीब जी, ज्यादा से ज्यादा राजाओं को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर। ये हिंदुस्तानी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लड़ते रहते हैं आपस में। इनकी आपसी रंजिशों का फायदा उठा। कोशिश करता हूं शहंशाह। अगला राजा कौन है? नवाब शुजाउद्दौला। और चंद्रपुर के राजा ने कहा है अगर उन्हें रसद की कमी पड़ती है तो हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि अब्दाली इस समय रोहिलाबाद में है, दोआब यमुना के किनारे। तो अब हमें दिल्ली के बजाय रोहिलाबाद जाना चाहिए। शमशेर, हम यहां हैं और अब्दाली वहां, बीच में यमुना है,
केवल 200 कोस की दूरी रह गई है। ठीक है, तो मैं गोविंद पंजी को खबर कर देता हूं कि वो तुरंत यमुना पर पुल बनाना शुरू कर दे। भाऊ साहब, एक बात बताऊं आपको, अगर लड़ाई द्वाब में होनी है तो शुजा को साथ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, गोविंद पंजी ने उन्हें मना लिया है। नजीबुद्दौला जी, सुनाए आपके अफगानी आका आए हुए हैं। नवाब साहब, उन्होंने खुद मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। मराठाओं के खिलाफ जंग में हम आपका साथ चाहते हैं। लेकिन हम में और आप में, आगे तो सुन लीजिए, मराठाओं को हराने के बाद वो आपको वजीर हिंदुस्तान बना देंगे। इसमें क्या बड़ी बात है, ये वादा तो मराठा हमारे साथ पहले कर चुके हैं। क्या भरोसा सदाशिव अपने अल्फाज पर कायम रहेगा? अहमद शाह अब्दाली ने तो लिखकर भेजा, आप खुद देख लीजिए। कैसे भरोसा करें उस पर? आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरे बुलाने पर ही तो वो आया, आए हैं। और हम आप पर भरोसा करें? हमारे दरमियान तो 100 दरारें पहले से हैं। मैं तमाम दरारें भर देना चाहता हूं नवाब साहब। देखिए, एक बात तो साफ है, इस जंग में पलड़ा उसी का भारी होगा जिसकी तरफ आप होंगे। जरा सोचिए, फिर आप होंगे दिल्ली के वजीर और आप शहंशाह। नहीं नहीं, मैं मीर बख्शी ही रहूंगा। आपके जहर साया तख्त पर किसी मुगलिया कठपुतली को बिठा देंगे और उसके धागे अपने हाथों में। नवाब साहब, एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई की बात अनसुनी करेगा तो कैसे चलेगा? नमस्कार गोविंद पंजी। आइए आइए। प्रणाम। नमस्कार गोविंद पंजी, आपसे फिर से मिलने का सौभाग्य मिला। मेरा भी सौभाग्य है सुमन, आइए। गोविंद पंजी, ये क्या हुआ यार? भीषण बरसात ने पुल बनाने ही नहीं दिया, जो बनाया था टूट गया, नावे बह गई। मैंने पूरा प्रयास किया सुमन, लेकिन प्रकृति से कौन जीता है। जब तक पानी का स्तर नीचे नहीं आ जाता, हम पुल दोबारा बनाना शुरू नहीं कर सकते। उस किनारे पर बहुत हलचल है। अब्दाली की फौज है, नजीबुद्दौला की फौज भी साथ में है। ये दूसरे ध्वज किसके? क्षमा करिए, बुरा समाचार है, वो दूसरे ध्वज शुजाउद्दौला के हैं। मुझे हां कहने के बाद जाहिर है वो पलट गए हैं। शुजाउद्दौला ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हमारे साथ सूरजमल जी हैं।
लगातार एक महीने तक नदी के उस पार की अफगानी फौज और हम बस एक दूसरे को ताकते रहे। जो मुहिम अब तक उमंगों भरी थी अब अपना भयानक चेहरा दिखाने लगी। श्रीमंत, पुल नहीं बन सकता, बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, भला पानी कैसे उतरेगा? भोजन और सामग्री भी समाप्त होने के कगार पे, कब तक प्रतीक्षा करें? श्रीमंत, आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव दूं। जी कहिए। मैं समझता हूं हमें वापस लौट जाना चाहिए, अगले वर्ष दोबारा आ जाएंगे बरसात से पहले। और अब्दाली को लूटपाट और मारकाट करने की खुली छूट दे दी। हाँ मलाराव जी, नहीं, बड़े हुए कदम वापस नहीं लौटते। फिर हम क्या करें? अगर हम नदी पार नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो भी नहीं कर सकता। हाँ तो हम पीछे लौटने के बजाय आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं समझो राजा जी, हमारी योजना क्या थी? हम रोहिलाबाद में नजीब और अब्दाली को परास्त करके दिल्ली जाएंगे, लेकिन अब क्योंकि हम यमुना पार नहीं कर सकते, हमारे पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है। हम यमुना के साथ साथ इस किनारे से लगकर दिल्ली की तरफ जाएंगे और दिल्ली हासिल करेंगे, और एक बार दिल्ली पे अधिकार जमा लिया तो हम वहीं से यमुना पार करेंगे और अब्दाली पर हमला बोल देंगे। ये बहुत अच्छी योजना है श्रीमंत। अच्छी है, सच्ची अच्छी है। लेकिन काका, भोजन सामग्री के बिना हम दिल्ली तक पहुंचेंगे कैसे? सूरजमल जी, मल्हारराव जी, इस तरफ कोई ऐसा है जिसे संपर्क कर सकते हैं? जी, अब मदद के लिए कोई नहीं बचा, हम यहाँ के सारे राजाओं से संपर्क कर चुके हैं। एक संभावना हते सकीना बेगम, पति के गुजरबे के बाद वो ही गद्दी संभालत रही है, लेकिन गांव पे भरोसा ना करे और गठबंधन फटबंधन पे विश्वास ना रखे। सही कह रहे हैं। आप कहें तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन वहीनी वो किसी से मिलती ही नहीं है। एक औरत से मिलने के लिए तैयार हो जाए शायद। आपको जाना चाहिए। नम्रता और दृढ़ता ऐसी चाबियां हैं जिनसे कोई भी ताला खोला जा सकता है। कई संदेश भेजने के बाद सकीना बेगम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई। चश्मे नूर, राहत दर्द रियाया, जीनत मुल्क, बेगम सकीना तशरीफ ला रही है। श्रीमंत सदाशिवराव भाऊ पेशवा की धर्मपत्नी पेशवीन पार्वती बाई। तशरीफ रखिए। मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद। आप हमसे क्या चाहती हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी सेना के लिए कुछ दिनों का रसद साधन सामग्री, ताकि हम दिल्ली जा सके। बहुत उम्मीद लेकर आई हूं कि आप मदद करेंगे। एक बार हमने आपकी फौज को यहां आने दिया तो उन्हें हमारा तख्त पलटने में देर नहीं लगेगी। बेगम, आप जरा सोचिए, अगर पेशवा की नजर आपकी सल्तनत पर होती तो वो अपनी फौज भेजते, अपनी पेशवीन को नहीं। मैं तो आपके पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूं। पार्वती बाई, दोस्तों से ज्यादा डर लगता है। आप दिल्ली क्यों जा रही हैं? अहमद शाह अब्दाली को रोकने। तब तो और भी मुश्किल है। अगर हमने आपकी मदद की तो अब्दाली हमारी रियाया को तबाह कर देगा। ऐसी ही एक जंग में हम अपना शौहर खो चुके हैं। जंग तो मर्दों के अहम का अना का खेल है। खुद फना हो जाते हैं और विवाहों और लावारिस बच्चों को रोता बिलकता छोड़ जाते हैं। मैं समझ सकती हूं आपा,
पर फिर भी ये जानकारी मुझे रोक नहीं पाई। कोसों दूर से जान हथेली पर रखकर अपने पति के साथ आई हूं, क्योंकि मुझे उनके नेक इरादों पर पूरा भरोसा है। उनकी जंग इस देश के लिए है। आपके स्वर्गीय शौहर ने भी इसी देश के लिए अपना बलिदान दिया था ना? हाँ, बलिदान। हाँ, बलिदान दिया उन्होंने, और अब आप अपनी रियासत उन्हीं की तरह बखूबी चला रहे हैं। हाँ आपा, मैं जानती हूं कि ठीक मेरी ही तरह आप भी किसी शाही खानदान से नहीं हैं, और ना ही आप किसी नवाब की बेटी हैं। हम दोनों आम आदमी का दर्द समझते हैं, है ना? जंग में सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं का होता है। उन्हें बचाने के लिए हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। हमारे मरहूम शौहर का भी यही मानना था, और इसी वजह से वो जान खो बैठे। अगर आज वो जिंदा होते और मैं उनसे मिलने आती, तो क्या उनका जवाब भी इनकार में ही होता? वो क्या कहते, इतना बता दीजिए, मैं लौट जाऊंगी। वो कहते, फखर की बात है पार्वती बाई, आपने उस अब्दाली को रोकने के लिए इतना लंबा फासला तय किया। हमारा जमीर अब हमें खामोश रहने की इजाजत कैसे दे सकता है? ऐसा ही कुछ कहते हैं। बोरी मकई और चावल और 5,000 सिपाही। मैंने सकीना आपा को पूरे समर्थन के लिए राजी कर लिया। तुम सच में अद्भुत हो पार्वती। हमें अब एक भी पल गंवाना नहीं है। गोविंद पांजी जी, आपकी 10,000 की सेना यमुना पार फंसी हुई है ना? जी। यमुना का पानी उतरते ही आप उनके पास वापस लौट जाइए और प्रतीक्षा कीजिए। मुझे जैसे ही आपकी आवश्यकता होगी मैं संदेश भिजवाऊंगा। जी श्रीमान। तो चलो, अब्दाली के नाक के नीचे से दिल्ली निकालते हैं। निशान नहीं है, भाग लिए। मराठा यहां से भाग गए। और करते भी क्या, इस बाढ़ के पानी में जमुना तो पार करने से रहे। जमुना ने बचा लिया उन्हें, वरना काफिरों को नेस्तनाबूद कर देते। मुझे नहीं लगता कि वो इतने जल्दी मैदान छोड़ देंगे। नजीब जी, पता करो कहां गायब हो गए और क्या है उनके इरादे। हमें कितना समय लगेगा? दिल्ली पहुंचने के लिए 10 दिन और उसे हासिल करने के लिए 4 दिन। याद रहे, दिल्ली में अब नजीब की भी फौज है। मैं आपको दिल्ली 4 नहीं 1 दिन में दिला दूंगा।
वहां की किले बंदी देखी है मैंने। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जनाब मैं तभी बोलता हूँ जब पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ। भाऊ साहब। जी। मैं एक बात कहूँ? जी कहिए। इस इब्राहिम खान पर भरोसा मत करना। क्यों? क्योंकि ये कभी भी धन की लालच में दल बदल सकता है। आखिर है तो एक गार्डी ना। भला रहो जी, आप इब्राहिम की चिंता ना करें, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। शहंशाह, पूरे दिन की खोजबीन के बाद हमारे घुड़सवार लौट आए हैं। शहंशाह वो दरिया से ऊपर की तरफ गए हैं। यकीन है? हाँ शहंशाह, कोई शक नहीं। तो अब वो दिल्ली फतेह करना चाहते हैं। ये सदाशिव मेरी उम्मीद से ज्यादा शातिर निकला है। तो अब हम क्या करें? शिकारी शिकार को हासिल करने के लिए क्या करता है? उसका इंतजार। शिकारी शिकार का पीछा करता है। शावली, लश्कर तैयार करो। जो हुक्म शहंशाह। लेकिन दरिया कैसे पार करेंगे? दरिया पार नहीं करेंगे। ये दिल्ली है, यहां हम हैं। हम जमुना के इस तरफ से किनारे को लगकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनका हमसाया बन के चलेंगे। दिल्ली पहुंचेंगे तब जमुना पार करेंगे। एक विराट दौड़ शुरू हुई। हम यमुना के दक्षिणी किनारे पर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, इस बात से अनजान कि अफगानी सेना नदी के उत्तरी किनारे से पीछा कर रही थी। हम उनसे एक दिन पहले दिल्ली के लाल किले पहुंच गए। देखिए, दो घुड़सवारों को आप फौज कहते हैं कासिम? कोहरा है, उसे हटने दीजिए। देखा? यकायक कहां से आ गए? तोपों का मुंह दो इकाई ऊपर। दुश्मन बेदाग। हमारे सारे बुर्ज उड़ा दिए। भागो! ये
घोड़सवार सेना तैयार? तैयार, तैयार। आक्रमण! सदियों में पहली बार दिल्ली का तख्ता पलट हुआ था। दिल्ली चाहे कितनी भी बेबस और खजाना खाली थी, लेकिन अब मराठों की थी। जिस सल्तनत ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को बारंबार अपमानित किया था, उसी लाल किले पर आज हमारा झंडा लहराने जा रहा था। अब्दाली के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। भाऊ सदाशिव से कह दो कि हम सारे सिख मराठों के साथ हैं। लेकिन हजूर जी, अब्दाली पिछले हमले के बाद से वैसे ही हमसे खार खाए बैठा है। परवाह नहीं उसकी। उस वक्त मराठों ने हमारी मदद की थी और अब यह हमारा धर्म बनता है कि हम उनके उपकारों की कीमत अदा करें। अब्दाली को हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए हम मराठों की मदद करेंगे और जरूर करेंगे। उत्सव समाप्त होने के बाद सबके मन में बस यही प्रश्न था, शहंशाह हिंदुस्तान कौन बनेगा? मेरी और सबकी पसंद तो एक ही थी, राया। क्या करती है? कैसे दिखती है मल्लिका हिंदुस्तान से मुकुट? चांद चांद दिखती है। सब ठीक है ना? काय झालं शहंशाह हिंदुस्तान? पार्वती मुझे ऐसे मत बुलाओ। क्यों, तुम सिंहासन पे नहीं बैठोगे? नहीं, ताज पहना नहीं जाता, पहनाया जाता। मैं युद्ध के लिए बना हूं, राजनीति के लिए नहीं। लेकिन क्या राजनीति भी युद्ध नहीं? राजनीति में पीछे से वार करते हैं, युद्ध में नहीं। तो अब तख्त पे कौन बैठेगा? विश्वास, वही तो सेनापति है। चलो, कोई पेशवा तो मुगल तख्त पे बैठे। तुम्हें पता है सदियों में पहली बार मुगल वंश की परंपरा टूटेगी। हम में से कोई भी इस तख्त पर नहीं बैठेगा। मतलब? मतलब हम इसे मराठा शासन के अधीन रखेंगे, लेकिन अपने किसी व्यक्ति को शहंशाह नहीं बनाएंगे। हम रक्षक हैं, हमारे हाथ में कमान रहनी चाहिए। राज तो हमें चलाना है, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठना। लेकिन श्रीमंत, ये तख्त हम खाली भी तो नहीं रख सकते। बतौर शहंशाह हम शाहजहां तीन की ताजपोशी करेंगे। श्रीमंत, तुरंत आइए, लगता है अफगान फौज जमुना पार पहुंच रही है।
इतनी जल्दी उन्होंने कैसे ले लिया दिल्ली को? यमुना के इस ओर ऐसा कोई तो किला होगा जो अब्दाली ने हासिल किया है। कुंजपुरा है, दिल्ली के उत्तर में। अब्दाली का बहुत खास किला है। तजीब जी, तू इसे बचा नहीं पाया? मैं खुद हैरत में हूं शहंशाह। मैंने यहां अपना सबसे अच्छा से पैसा ला लगाया था। तुम्हारा सबसे अच्छा निकम्मा निकला नजीब। मुझे यहां पहले आना चाहिए था। वो सदाशिव खतरनाक साबित होता जा रहा है। जंग की तैयारी करो, इसके पहले कि अब्दाली यमुना पार करे हमें कुंजपुरा जीतना है। हमने कुंजपुरा के किले को भी उतनी ही आसानी से जीत लिया जितने की लाल किले को। ऐसा लगने लगा कि हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो गईं, लेकिन हमें पता था कि हमने एक राक्षस को ललकारा है। एक के बाद एक जंग हारता जा रहा हूं मैं। पहले दिल्ली और अब कुंजपुरा, सब तेरी गलत सलाह की वजह से। नहीं मां अली जान, एक मशवरा देता हूं। नहीं चाहिए मुझे तेरा मशवरा। माफी, माफी तुरे दुरानी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहां फंसा हुआ हूं और सदाशिव मेरे इलाके में घुस रहा है। अब वो पंजाब की तरफ जाएगा और सिखों को अपने साथ मिला लेगा। क्या करूं मैं? उसे रोकना होगा। मुझे जमुना पार करनी है। इस वक्त मुनासिब नहीं होगा शहंशाह। तेरा मशवरा नहीं चाहिए मुझे। मुझे जमुना पार करनी है अभी, इसी वक्त। मुझे जमुना पार करनी है। अब्दाली ने नदी पार कर ली है, हमारे पीछे आ रहा है, केवल 100 कोस दूर है। तब तो हम सीखों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम अपनी गति धूनी कर ले और रात में भी चले। सिर्फ सेना होती तो ये हो सकता था, लेकिन इतनी महिलाएं और लोगों के साथ ये नामुमकिन है। यहाँ पास ही में पानीपत का किला है, हम वहां जा सकते हैं। जिस मौके का इंतजार था आ गया है। तलवारें खींच लो, हम अब्दाली का सामना वही करेंगे पानीपत में। पानीपत का नाम सुनकर ही मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगा कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता। पानीपत का किला, ये किला तो बहुत ही छोटा है, हमें सहारा नहीं दे पाएगा। हमें इसके आसपास ही अपनी छावनी लगानी होगी। चलो।
खंदड़े हमें जल्द से जल्द खंदक खोदना होगा। जी इंतजार का खेल शुरू हो चुका था, लेकिन हम तो पहले से ही कठिनाइयों से गुजर रहे थे। भोजन सामग्री खाली हो गई थी। श्रीमंत, 3 दिन हो गए सेना ने किसी ने कुछ नहीं खाया है, गुड़ के अलावा कुछ नहीं बचा है। और हमारे सहयोगी सिख ना तो रसद भेज पा रहे थे ना सेना। समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे मदद करें सदाशिव बाहू की। क्या बताएं भाऊ साहब, जमुना के उस तरफ फंस गए थे हम, इसलिए आने में देरी हो गई। भैया राधक सिंह जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए, हम आपके आभारी हैं। सेना कितनी लाए है? 5,000। राजा अराधक सिंह का हमसे जुड़ जाना एक बहुत बड़ी राहत थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। हमारे बीच कोई दरिया नहीं है। सदाशिव राव भाव पेशवा अब्दाली, अब हमारे बीच सिर्फ पानीपत की यह रणभूमि है। महीनों की लुक्का छुपी, जोर तोड़ और नक्शे बदलते बनाते मराठा और अफगान पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गए। आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों एक दूसरे का रास्ता रोके खड़े थे, हमारे पीछे तक अंधार और उनके पीछे पुणे। शहंशाह, सारे इंतजाम सूरज जलने से पहले हो जाएंगे। शहजादा तैमूर शाह अब्दाली अपनी फौज के साथ छावनी पहुंच गए हैं। तैमूर, तू बड़ी जल्दी आ गया। आपका पैगाम मिलते ही मैं पंजाब से रवाना हो गया। लेकिन अब्बू, एक बुरी खबर लाया हूं। क्या? जल्दी बता। खबर कांधार से है। सरफराज चचा ने तख्त उलटने की साजिश चली है। भारी पैमाने पर गिरोबंदी शुरू हो गई है। कांदाहार वापस जाना होगा फौरन। कांदाहार? ये आप कैसे कर सकते हैं? हिंदुस्तान को जीतने के लिए मैं अफगानिस्तान को दांव पे नहीं लगाऊंगा। मैं समझ रहा हूं शहशाह, लेकिन सवाल यह है कि आप जाएंगे कैसे? मराठा फौज ने आपका रास्ता रोक रखा है शहशाह। सामने देखिए हुजूर, सामने देखिए। लेकिन अगर मैं इस जंग में फंसा तो कांधार हार जाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं जा सकता तो सुलेनामी का पैगाम भेजो। अब ये इतना सब कुछ सुलेनामी के खातिर किया? अजीब, मुझे सदाशिव के साथ
सुलह कर ली है। इंतजाम कर। जी हुजूर। अफगानिस्तान दुर्रे दुर्रानी अहमद शाह अब्दाली श्रीमंत सदाशिव राव भाऊ पेशवा। मुझे बताया कि आप सुलह करना चाहते हैं। मैं आपके साथ हूं क्योंकि युद्ध हमेशा सल्तनत को उजाड़ देते हैं। इस बात को जानने के लिए बड़ी दूर से आया है। आना पड़ा दुश्मन को रोकने। हजार कोस दूर लंबा सफर तो मैंने भी तय किया है। हाँ किया है लेकिन लूटने के लिए हम आए हैं। रक्षा करने के लिए। तुझसे बहस करने का वक्त नहीं है। मैं जंग नहीं चाहता। अगर तू भी नहीं चाहता तो मेरी शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? मैं अमनो अमान के साथ कंधार लौट जाऊंगा। अगर तुम मराठा नर्मदा के दक्षिण में रहो और दिल्ली मेरे हवाले कर दो। नहीं, आप अटक के उत्तर में ही रहेंगे जिस दिशा से आप आए हैं और दोबारा इस धरती पर कदम नहीं रखेंगे। मैं तुझे एक मौका और देता हूं। दिल्ली की उत्तर की सारी जमीन मेरी और दक्षिण की तेरी। आप अटक के उत्तर में ही रहेंगे और दोबारा हिंदुस्तान में कदम नहीं रखेंगे। मुझे केवल यही शर्त स्वीकार है। जहां मैं खड़ा हूं वहां से उत्तर का सब मेरा, बाकी सब तेरा। नहीं, मुनासिब बात कर बच्चे, नहीं तो मेरी मुहिम बेमानी हो जाएगी। और मेरी मुहिम बेमानी हो जाएगी अगर एक घुसपैठिया हिंदुस्तान की मिट्टी पे बना रहता है और आप इस समय जिस धरती पर खड़े हैं ना वो मराठा साम्राज्य ही है। तू छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देने जा रहा है। मैं इस धरती के मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूं। ठीक है तो फैसला यहीं कर लेते हैं। कीजिए फैसला। शहंशाह श्रीमंत, ये सुलह का शामियाना है, सौदे का। लड़ने के लिए तो पानीपत का सारा मैदान तैयार पड़ा है। अब पहले हिंदुस्तान फिर अफगानिस्तान। सही कहा, हिंदुस्तान सदा पहले ही रहेगा। खबर है कि मराठा कल जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनकी फौज 1,25,000 की है और हमारी है 75,000। अगर हमें जीतना है तो हमें चौकोर व्यूहरचना करनी होगी और ऐसे आगे बढ़ना होगा। हमारा लक्ष्य केवल एक है, अफगान फौज की सुरक्षा दीवार को तोड़ना। इब्राहिम अपने तोपचों के साथ सबसे आगे होगा, उसे हाथी दल की मदद लगेगी। उसके पीछे बंदूक सेना, फिर घोड़सवार और सारे सैनिक सबसे पीछे चलेंगे। हमारा लक्ष्य एक ही होगा, अफगानों के बीचों बीच घुसकर उन्हें तहस नहस कर देंगे। जी श्रीमान। मेरे बाएं तरफ तैमूर, नजीब, सुलेमान और नवाब साहब के दस्ते तैनात रहेंगे। मेरे बाएं तरफ शमशेर, विठल विंसुरकर और दामाजी गायकवाड़। दाएं में शाह वली खान और वहाब खान। शहंशाह,
मेरे दाएं तरफ सेना का नेतृत्व करेंगे जंको जी और मल्हार राव जी। हमेशा की तरह मैं पीछे से जंग पे निगाह रखूंगा, एक दस्ता हमेशा मेरे साथ रहेगा। उनके पीछे होंगे नाना पुरंदर, यशवंत पवार, अंताजी मणकेश्वर, अराधक सिंह जी। आपकी 5,000 की सेना मेरे लिए हमेशा तैनात रहेगी। जी श्रीमंत। और मैं बीचों बीच अपनी हुजूरात सेना के साथ रहूंगा। सारे स्त्री परिवार, तीर्थयात्री और सेवक इस टीले पर रहेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए सेना की एक छोटी सी टुकड़ी तैनात रहेगी। अपने अपने सेनाओं को तैयार करो। जी। मल्हार राव जी, अगर अनहोनी हो जाए तो सारी स्त्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। काका, आपने सबको उनकी जगह बताई है, मैं कहां पर रहूंगा? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तुम वापस जाओगे विश्वास, पीछे के रास्ते से कोई नहीं देख पाएगा तुम्हें। नहीं, मैं आपके साथ लड़ूंगा। तुम नहीं लड़ोगे, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूं। पुणे में माँ मेरी रक्षा करती, यहाँ पर शमशेर काका और आप। मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का अवसर कब मिलेगा? हम तुम्हारी रक्षा इसीलिए करते हैं क्योंकि तुम एक पेशवा हो। ठीक कहते हैं, लेकिन अगर आप मेरी रक्षा करते रहेंगे तो मैं पेशवा कैसे बन पाऊंगा? मैं इस सेना का सेनापति हूं, मैं लड़ूंगा। ठीक है, तुम शमशेर और मेरे बीच में रहोगे, एक हाथी पर सवार, मेरे हाथी के पास। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम कभी भी अपने हाथी से नीचे नहीं उतरोगे। क्षमा करा रहा है, पर तुम्हें देने के लिए आज मेरे पास केवल यही है। गुड़ का पानी तुमने पिया? कुछ हो जाए, अगर मुझे कुछ हो जाए, मुझसे वादा करो तुम सती नहीं जाओगे। पार्वती, पार्वती, वादा करो तुम सती नहीं जाओगी।
भाइयों, अपने चारों तरफ देखिए, यह है हमारी हिंदुस्तानी सेना का चेहरा। इसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अलग अलग जाति के लोग, किसान, सब अपनी देश की रक्षा के लिए एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं। तुम अपनी इस धरती के लिए लड़ रहे हो, अपने घर परिवार के लिए लड़ रहे हो, लेकिन सबसे पहले तुम अपने साथियों के लिए लड़ रहे हो जो सैकड़ों मील चलकर आए हैं तुम्हारे साथ इस मुहिम पर, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे। और वो किस लिए? उस आक्रमणकारी को रोकने के लिए है। हाँ श्रीमंत, हाँ श्रीमंत। मैदान में उतरकर अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करो, ताकि अब्दाली को भी पता लग जाए कि अभी तक हमारे धरती में वीर योद्धा खत्म नहीं हुए हैं। जी श्रीमंत, जी श्रीमंत। और जहां तक हमारे अंदर के भूख का सवाल है, हम उसे दुश्मन के खून से मिटाएंगे। विश्वासराव पेशवा, आदेश दे। चौकोर व्यूह रचना प्रारंभ हो। सेना आगे बढ़, आगे बढ़ो। जवाब दो। शातिर आदमी है ये, उसने चौकोर वाली तरतीब बनाई है। हमें ईद के चांद की तरतीब बनानी होगी फौरन। आगे बढ़ो।
तोपें आगे बढ़ रही है। बरकुरदार अपनी तोपें दागो इन पे। मिशन पर दुश्मनों से उत्तर खत्म करें। एक काम करो, अपनी जंबूरक तोपों को ऊंटों पे चढ़ाओ और फिर निशाना साधो। जी अलीजा। फिरती तोपों का सामना करना मुश्किल। इब्राहिम को जाकर बोलो उनके गोला बारूद के तंबू को ढूंढे और उसे उद्वस्त करें। जाओ। जी श्रीमान। लोहा भार। जनाब, श्रीमान का संदेश है कि दुश्मन का गोला बारूद का तंबू ढूंढकर उसे नष्ट करना है। सोचियों, सारी तोपे 3 इकाई बाएं, 2 इकाई ऊपर। सारी तोपे 2 इकाई बाय। संदेशवाहक इब्राहिम को जाकर कहो हाथी और तोपों को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना होगा। बंदूक दल तैयार करें और आगे बढ़े। जी श्रीमान। बंदूकों को आगे करो। जी जनाब।
ऐसा लगता है कि मेरा खुदा भी उनके साथ है। हमारे सिपाही मैदान छोड़ भाग रहे हैं। तैमूर, वासी, दो दस्तों में बढ़ जाओ और इन भगोड़े सिपाहियों को मौत का डर दिखाकर वापस लाना होगा। जी जनाब। पीछा करके खत्म करूंगा। वापस चलाओ। इन सब को जंग के बीचों बीच भेज दो। जिज़ेल का निशाना पेशवा शहजादे पे लगाओ। जी आ लीजा।
तुमसे कहा था विश्वास विश्वास गुजरात काका तुम्हें कुछ नहीं होगा तीर सिर्फ कंधे पे लगा बच जाओगे लेकिन तुम हाथी से उतरे क्यों शमशेर काका को बचाना है तुम्हारे बदन पे जख्म है अब तुम सच में योद्धा बन गए हो हुजरत नहीं विश्वास
सिंह जी, अराधक सिंह जी, आपको सेना इस तरह भेजती होगी। अराजकपुर की सेना पीछे हटो। दस बजानो अराधकपुरा इलाके अराधकपुर की सेना को जाने दो। हमारी सेना आपके लिए तैयार है। तो क्या हम सेना भेज दें? नहीं, हमने चौथ दे दी है, अब सेना क्यों दें? ये सदाशिव भाव को सबक सिखाना जरूरी है। क्या खबर लाए हो? मराठा जमुना के किनारे पहुंचने वाले हैं। जमुना? जी, वो दोआब काबिज करना चाहते हैं। जमुना के उस तरफ फंस गए थे हम, इसलिए आने में देरी हो गई। अराधक सिंह जी, आपकी 5,000 की सेना मेरे लिए हमेशा तैनात रहेगी। जी श्रीमान। मैंने आप पे भरोसा किया और आपने भी विश्वासघात किया। सबसे बड़े अपघाती आप हैं। मल्लाराव जी, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब ठीक तो है? देखिए, मैं बस इतना जानता हूँ कि इस समय ये जगह अपने लिए सुरक्षित नहीं है। भाव साहब कैसे हैं? भाव साहब ने मुझसे वचन लिया था, वो मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। कैसा वचन? आप सबको सुरक्षित जगह ले जाने का वचन। हमारे पास समय बहुत कम है, ये जगह सुरक्षित नहीं है।
गिरी हुई खून की हर बूंद चीख रही है, हिंदुस्तान कभी तुम्हारा नहीं होगा। धरती की मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूं। तो ये थी मेरी आंखों देखी। मैं इस सदमे से कभी उभर ही नहीं पाई। राया के बिना मेरे लिए इस जग में कुछ नहीं था। क्षमा कर दे, मेरे कारण हम दोनों ने हमारे अपनों को खो दिया है। मुझे क्षमा कर दे। सपना है सच है कि जादू है, आ जाने क्या है। मेरे जीवन तुम ही हो लगता है और तुम ही रहोगे। लिखा तू है मेरे लिए और मुझे मेरा कल, मेरा परसों, मेरा परसों। मोहतरम पेशवा नाना साहब, पानीपत की जंग में मैंने फतेह हासिल की, फिर भी बहुत भारी दिल के साथ कंदहार लौटा हूं। सदाशिवराव का चेहरा निगाहों से हटता ही नहीं है जब वो हजारों के साथ बहादुरी से लड़ रहा था। मेरे लिए एक बात कबूल करना मुश्किल है, फिर भी मैं कबूल करता हूं कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग थी और सबसे जांबाज सिपाहियों से मुकाबला हुआ जो थे मराठा। और मैंने ता जिंदगी ना जाने कितने बहादुरों से जंग की, लेकिन बाखुदा सदाशिव जैसा जाफरोज ना देखा। मराठा कौम की हिम्मत, ताकत और हौसले को सौ सौ सलाम। खुदा करे आपकी कौम अपनी सरजमीन पर राज करती रहे। खुदा हाफिज। अहमद शाह अब्दाली। सदाशिव इतिहास में अब्दाली जीता, लेकिन भविष्य तो मराठों का ही रहा। सरदार महादजी शिंदे ने बदला लिया और अपने आने वाले 10 वर्षों के लिए मराठा सत्ता फिर से स्थापित कर दी और नाना फडणवीस
पेशवा वंश को उनका उत्तम शासन बनाए रखने के लिए उसी तरह मदद करते रहे जैसे सदाशिव।